कि मेरी भाभी तो देखो कप में चाय पी रही है और मेरे को कैसे पिला रही है, ठीक है ना। तो वैसे देखा जाए तो ये इस कप में जो सॉरी इस प्लेट में जो चाय है इसका मजा ही कुछ और है। मैं आपको पी के दिखाती हूँ। पी ली इसने चाय, कप में पहले पी है, अब प्लेट में पी रही है। ये बहुत मस्त चाय है, बहुत मस्त। पर ये चाय इसकी नहीं थी, है ये पेशेंट की चाय थी क्योंकि उसको पीनी नहीं थी। तो हम दोनों है ना, नंद भाभी है ना, चाय पीने बैठे उसको है ना क्या चटनी वाले पराठे खिला रहे हैं राजस्थानी वाले, ठीक है ना। अब देखो इस चाय का मजा ही कुछ और है। वाह वाह क्या लजीज चाय बनी है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका भाई सिद्ध और आप देख रहे हैं स्वैग चौरासी ब्लॉग्स। तो गाइस अभी मैं हो चुका हूँ रेडी और मम्मी यहाँ पढ़ रही है अखबार और पापा यहाँ बैठे हुए हैं और फिलहाल मैं करने जा रहा हूँ नाश्ता। नाश्ते में है दूध और मेरे फेवरेट बिस्कुट मैरी लाइट। तो मैं करूँगा अभी नाश्ता और नाश्ता करके मैं निकलूँगा ऑफिस के लिए। तो चलो आगे मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू स्वैग चौरासी ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। पूजा वूजा कर ली है, बच्ची को शगुन को तैयार करके स्कूल भेज दिया है। नाश्ता वास्ता पराठा वाठे सब तैयार हो गए हैं। तो आज जाना है मुझे अपनी फ्रेंड की बेटी के पास, उसको हॉस्पिटल देखने, क्योंकि वो ICU में है। तो उसकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी तो कल मैं जा नहीं पाई क्योंकि मुझे पूसा जाना था शगुन के स्कूल। और उसके स्कूल में उसकी मैडम ने बुलाया था कुछ पेरेंट्स मीटिंग और कुछ साइन वाइन के चक्कर में, तो मैं गई थी। और जैसे कि आपने मुझे ब्लॉग में देखा था, तो अब मैं आज जल्दी जल्दी खाना वाना बना बुनो के कुछ लेके जाऊंगी और घर वालों के लिए जल्दी से मैंने खाना बना लिया है। तो गाइस ये सिद्धू कर रहा है नाश्ता और ये नाश्ता करके जाएगा ऑफिस। इसके पापा बैठे अपना फ़ोन चला रहे हैं, मैं भजन सुन रही थी तो भजन अभी फ़िलहाल मैंने बंद कर दिए हैं। और अभी मेरा काम बहुत ज़्यादा अभी बाकी है। ये देखो मेरे बर्तन पड़े हैं यहाँ पर, मैंने अभी खाने पीने का करा था, साफ़ सफाई करनी है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये पराठे वराठे सब बनाए हैं आलू के ले जाने के लिए, बच्चों के लिए यहाँ के लिए छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि कुछ खा भी लेंगे। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तो गाइस मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ और हॉस्पिटल पहुँचते ही क्या कहते हैं मेरे को भाभी मिली है। तो मैं आपको तो मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए, परी से। और ये हमारी मैडम जी हैं जो परी की मम्मा हैं, वो थक के सो चुकी हैं। ये देखिए गाइस, और ये देखो ये भाभी, देखो सब तो पागल है, सबको पागल बताती रहती है। और ये हमारा पेशेंट है, ये देखो ये सो रहा है, ये देखो इसको गौर से देखो, ये सो नहीं रहा, ये नौटंकी कर रही है। सोने दो, चलो। ये है भाभी बैठी हैं। हेलो भाभी। हाय रेनू। और कैसे भाभी? बस ठीक। मेरी सास का क्या हाल है? हाँ मेरी सास ठीक है भाभी, आप ठीक है? और आपको पहुँचे? मैं तो सुबह के आई हूँ। सुबह के आए हो? अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो आगे। हाँ मैं भी आगे, मैं कहा चलो मिल लेते हैं, उड़िया का हाल चाल ले लेते हैं, कैसे हैं कैसे नहीं है। और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। तो गाइज ये है मेरी फ्रेंड छोटी है, उसकी भाभी है। तो ये हमारी भाभी भी लगती हैं क्योंकि छोटे से पन से ही इन्होंने हमारे को खूब प्यार किया है, खिलाया अपने गोद में। छोटी थी जब मैं भी, जब इनके पास जब इनकी शादी हुई थी तो बहुत टाइम बाद इनसे मुलाकात हुई है। तो मैं आपको भी अपनी फ्रेंड से उसकी बेटी से मिलवाती हूँ। मेरे जिया जी, तो लगता है ये कहीं किसी काम से दवाइयाँ लेने कहीं जा रहे हैं बाहर, देख रहे अपनी बेटी को ये वो ठीक है। हाँ तो वो ठीक है, अभी जाएंगे कहीं बाहर, लग लो गए। ये देखो भाभी ने मुझे प्लेट में चाय डाल के दी है और खुद देखो खुद देखो, खुद तो उसमें पी रही है, कप में पी रही है। और देखो गाइस ये देखो मेरी भाभी ने मेरे को प्लेट में चाय दी है, उधर मेरी बहन फ्रेंड छोटी सो रही है, और इधर ये देखो हमारा पेशेंट, ये है हमारी गुड़िया रानी जिसने सबकी 3 दिन से नींदें ख़राब कर रखी हैं और खुद तो मज़े से खूब सोती है। और ये देखो ये ग्लूकोज चढ़ा रही है, सुइयाँ ले रही है, क्या क्या दवाइयाँ खा रही है। और ये रूम है जिसमें इसको रखा हुआ है, ICU से ये बाहर आ चुकी है और इसने दुखी कर रखा था सबको, कल इसको कोशिश करके यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है ना। और गाइस ये देखो क्या स्टाइल वाली चाय है, इस चाय का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है ना। तो मैं अब इस चाय को पीती हूँ।
तो मैंने आपको बताया था कि मेरी भाभी तो देखो कप में चाय पी रही है और मेरे को कैसे पिला रही है, ठीक है ना। तो वैसे देखा जाए तो ये इस कप में जो सॉरी इस प्लेट में जो चाय है उसका मजा ही कुछ और है। मैं आपको पी के दिखाती हूँ। पी ली इसने चाय, कप में पहले पी है, अब प्लेट में पी रही है। ये बहुत मस्त चाय है, बहुत मस्त। पर ये चाय इसकी नहीं थी, है ये पेशेंट की चाय थी क्योंकि उसको पीनी नहीं थी। तो हम दोनों है ना, नंद भाभी है ना, चाय पीने बैठे उसको है ना क्या चटनी वाले पराठे खिला रहे हैं राजस्थानी वाले, ठीक है ना। अब देखो इस चाय का मजा ही कुछ और है। वाह वाह क्या लजीज चाय बनी है। तो गाइस कौन कौन ऐसे चाय पीता है? फिलहाल बहुत कम लोग मिलते हैं, आजकल स्टाइल वाले बन गए हैं सारे। तो प्लेट में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। मजा ही आ गया, हाथ निकल रहे हैं। ये देखो कौन कहता है ये पेशेंट है। देखो इसको गौर से देखिए गाइस, इसको गौर से देखिए। ये देखो ये है हमारा पतला सा पेशेंट, सुक्का सा चूहा। और वो देखो हमारी मैडम जी थक चुकी हैं, अब ये लगती हैं पेशेंट पूरी ये हमारी पूरी पेशेंट है। जरा प्लीज भाभी जी चाय को पकड़िए, हमने पी लिया क्योंकि बस दिल भर गया चाय से। और ये देखो भाभी ऐसे चाय गाइस देखो भाभी ऐसे चाय पीती है। ये देखो ये स्टाइल भाभी, जरा उनको तो लगा जरा एक देखते कैसे लगती है। देखो जी देखो ये है स्टाइल चाय पीने का। ये देखो और देखो ये हम दिखाते हैं, वो पेशेंट तो नहीं लग रही पर हमारी मैडम जी जरूर पेशेंट लग रही है। ये देखो लग रही है ना यार, तू बीमार लगने लग गई और वो नहीं है। और पेशेंट को दिखाती हूँ, देखो पेशेंट कैसा है, जरा दांत दिखाओ पेशेंट, दिखाओ असली पेशेंट को। तो ये देखो मेरी नजर मत लगाओ मेरे को, ये देखो इसको बात बात पे तो चाहिए चटनी और आलू के पराठे। बताओ पेशेंट कोई खाता है क्या चटनी और वो क्या कहते हैं वो क्या, जब देखो आलू के पराठे चटनी, आलू के पराठे चटनी। ये देखो देख लेंगे है ना। नहीं जी नहीं हमें नहीं पता। और ये देखो ये मैडम जी को ठंडी ठंडी बोतल लग रही है ना। हाँ एसी तो बेचारों ने देखा ही नहीं किसी ने। ये भाभी क्या कह रही है गाइस कि इनको एसी दिखाओ। देखो गाइस एक तो मैं इस निकम्मी को हंसा रही हूँ, कहती सोने नहीं देते हैं हमारे को, ये सारे दिन सारी रात सोती है फिर भी इसको सोने को लिए चाहिए। और भाभी क्या कह रही है देखो, ये भाभी को देखो और से ये खाती है और सो जाती है, खाती है और सो जाती है, इसको कोई काम नहीं है, ठीक है ना। खुद तो कप में पीती है, नंदों को प्लेटों में पिला रही है। देखो गाइस गौर से देखो इस भाभी को ही कैसी है, देखो देखो देखो, बट ये अच्छी है। आज हमारे लिए लेके आई थी राजमा चावल, ठीक है, और साथ में लेके आई थी आलू की सब्जी और पराठे, और साथ में लेके आई थी क्या अचार, खाना तो बहुत। और मैं लाई थी आलू के पराठे और चटनी, ठीक है। साथ में गाइस ये देखना लेके क्या आई थी कि हम किस में खाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटी छोटी प्लेटों में हम चावल हैं और पराठा चटनी और क्या कहते हैं सब्जियाँ दो दो कैसे खाएंगे। ये कटोरी की तरह देखो लेके आई है, अब हम सोच में रह गए किस में खाएं। फिर हमने क्या करा, क्यों गंदी करें इनको, तो ऐसे सजा के रख देते हैं, ठीक है। और फिर हमने खाई डिस्कोर से, देखिए ये बैठ के उठती, देखो बैठ गई मेरे ब्लॉग चालू हो गया फिर से यार कहेंगे। देखो पेशेंट को भी तंग करके रखा हुआ है। और पर क्या हाल है तेरे, ये जब से मैं आई हूँ ना सुबह से इसको पराठे ही पराठे चाहिए, इसको पराठे ही पराठे चाहिए। महंगा कि मैं चली जाऊँ। और अभी मैं पहुँच गया हूँ जैसे कि घर पे। और शगुन क्या क्या बना रही शगुन? अच्छा पोस्टर बनानी है, सेव वर्ड जैसे का है। बढ़िया बढ़िया, पापा वहाँ फ़ोन चला रहे हैं या टीवी चलता बराबर। तो अभी मैं कपड़े वपड़े चेंज करूँगा, चेंज करने के बाद पूरी बड़ी तेज़ गर्मी तो ले लेते हैं थोड़ा अपना शावर लेके जाना आज मंदिर, जैसे कि मंगलवार है तो मैं मिलता हूँ आगे। तो फिलहाल मैंने ले लिया है शावर, आए हाय मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा पानी था, मोटर चला के जो ठंडा पानी आया सर पे लगाए मज़ा आ गया, मतलब ऐसे सारी थकान दूर हो गई यार, सारी दिन जो थकान थी ना सारी दूर हो गई आज शावर लेते। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी मंदिर हनुमान जी के, जैसे कि आज है मंगलवार तो बस मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुका हूँ, कहीं कपाट बंद हो गए तो फिर दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो चलो मिलता हूँ मैं। ध्यान से देखना पड़ेगा ये कौन है, इतनी लाइटिंग है नहीं, दो मुंडे वखरे आ रहे हैं, एक को लेगा प्रदीप और एक
अंशु आएगा बैक। कितनी कॉल करने का? वेलकम टू सेक्चुरसिट ब्लॉग्स। सारी प्रमोशन एक दिन ही में कर देनी है तेने। नहीं भाई, प्रदीप के हिस्से की भी कर देना। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया। और कहाँ जा रहे हो? बस आया, हमने बुलाया, हम चले आए। भाई देख, पहली बात तो मेरे को जाना मंदिर, तो फटाक देनी चलो, क्योंकि कपाट बंद हो गए तो दर्शन होने मुश्किल हो जाएंगे। फिर उसके बाद करते हैं बात आपको। आज यार कपाट बंद मिले, बड़ा दुख हो रहा, दर्शन नहीं हो पाए, कपाट बंद है बालाजी के। मैं लेट हो गया था, क्या कर सकते, पूरा मूड अपसेट हो गया आज, जिसके लिए मैं जल्दी जल्दी भाग के जा रहा था मंदिर। अब कपाट इतने इन्होंने जल्दी बंद कर दी, 9 बज रहे, ऐसे थोड़ी होता है यार। कोई बात नहीं भाई, दिल में भगवान तो है। अरे दिन में तो भगवान है, वो बात तो ठीक है, दिन में थोड़ी भगवान है, घर में हर जगह भगवान है, वो तो बात नहीं। बट जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय हनुमान, जय श्री राम, जय की जय हो। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं तीनों भाई, थोड़ा गपशप कर लेते हैं। और आजकल भाई नई स्टिंग आई है ब्लू वाली, ब्लू वाली स्टिंग भी आने लगी है। ब्लू वाली स्टिंग भाई नई नई चीज है, अब रेड वाली से बढ़िया लगी वो। ब्लू करंट ट्रिक है, क्या लिखा था उसका, करंट हां ऐसे कुछ आती तो है ऐसे। हां नई नई चीजें आ रही है मार्केट में, मतलब टक्कर दे रहे एक दूसरे को। दुकान वाले ने भी पूछा कैसा लग रहा है, मैंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं भी पी के देखता हूँ भाई। मैं तो सचिन भाई की दुकान पे गया था ना आज, सचिन भाई ने बोला ये वाली ट्राई कर, तो मैंने कहा मैंने इंद्रपुरी में नहीं आती ना जल्दी से, ब्लू वाली स्टिंग। सचिन भाई के दुकान पे गए थे, मैं भी वहीं गया था। अबे तो भाई मेरे को कब पिलाएगा भाई? अभी चल तो रहे, अभी चल लेते हैं, अभी स्टिंग पिएंगे, एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो फिर बढ़िया हो जाएगा मामला चलने फिरने में। मौसम अच्छा हो रहा है, मौसम का ठंडा ठंडा हो रहा है, मतलब 4-5 दिन से मौसम बहुत गजब का हो रहा है, मजा आ रहा है। अभी जा रहे हैं, थोड़ी गपशप करेंगे, गपशप करके भाई कह रहा है रामायण शुरू हो गई, वहाँ पे नजफगढ़ से फोन आया था कि वहाँ तो रामायण हो रही है। अच्छा वो दशहरा आने वाला है, नहीं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी, पर वो तो डेट के हिसाब से होते हैं ना, जल्दी डेट के हिसाब से होता है ना कुछ, उसके कम से कम 20-25 दिन पहले से पहले होता है। दिवाली दिवाली से नीचे दशहरा से पहले होता है भाई, दशहरे के बाद दिवाली होती है ना। तो भाई दशहरा से पहले तो चालू करेगा, फिर तो दशहरा में थोड़ा पहले चालू होती है, आई थिंक 20-25 दिन पहले होगी। कमेंट करके बताना हमारे को बताना इतना, क्योंकि ध्यान है नहीं कि दशहरा से कितने दिन पहले चालू हो जाती है वर्ल्ड में। यहाँ दिन हो रहा है, यहाँ लाइट हो रही है, सही यहाँ लाइट ही लाइट हो रही है, ऐसे लग रहा है दिन और रात कुछ लाइट है, लाइट ही लाइट है ना। बात किसकी बात है, हमारे यहाँ पे एक बंदर आता है, तो क्या कहते हैं उसको, बोलते ना गुड नाइट, तो यूँ नहीं बोलता, गुड नाइट बोलता, नाइट ही नाइट है, नाइट ही नाइट है, और बात का जवाब ऐसे ही देता है। जैसे मैं बोल रहा था कि ब्लू स्टिंग पीऊँगा, तो बंद होने वाली थी शॉप, बट मैंने ले ली है ब्लू स्टिंग, टोलिंग चल रही है भाई, बिल्कुल ब्रदर, सिस्टम ब्रो सिस्टम। तो पीते अपन, बता दूँ कैसा स्वाद है उस वाली स्टिंग का, तो पता ही होगा कि कब सिर्फ जैसी लगती है, इसको पीते हैं। ओ वधिया, बहुत वधिया यार, बहुत बढ़िया लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है च्युइंगम होती नहीं ऐसे बबल गम, उसका स्वाद आ रहा है यार इसमें, पूरा पूरा स्वाद आ रहा है इसका बबल गम जैसा, बहुत बहुत वखरी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है ये। क्या कहना चाहोगे भाई तुम लोगों ने? ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छा लगा पी के, और यार मैं तो अभी यही वाली स्टिंग पीऊंगा यार। ओ भाई डेली मत पियो, कभी कभी पी, कभी कभार जब भी पीते तो यही वाली पियेंगे, वो वाली ज़्यादा मीठी भी ज़्यादा, वो मीठी नहीं आज नहीं, शुगर भी छोड़ दे, शुगर भी ज़्यादा हो भाई, उसको पी के ऐसे लगता है जैसे अभी कब सिर्फ पी रहे हैं खांसी की दवाई जैसे। और पता नहीं वो आधे महीने पेट भर देती है, पता नहीं उसमें ऐसा क्या होता है ना, मिलावट भी तो होती है ना बहुत ज़्यादा, मिलावट तो इसमें भी है, इसमें भी है, पर वो पेट भर देती है, वो पेट भर देती है वो जल्दी, गैस भी उसमें ज़्यादा होती है, बिल्कुल होती है। ये पता कैसे लग रही है, जैसे पहले सोडा शॉप पे वो ब्लूबेरी वाला नहीं मिलता? सेम सही टेस्ट बोल रहा है, ब्लूबेरी वाला। चलो फिर करते हैं अपन एंजॉय स्टिंग पी के, आगे मिलते हैं। अभी मैं आ गया हूँ जैसे ही घर, और बहुत तेज लग रही है भूख, मम्मी ने माना आज राजमा चावल, तो खाना खाता हूँ मैं फिर।
खा लिया है, खाना खाना ही बहुत बढ़िया था। और आज यार पी स्टिंग ब्लू वाली, मजा आ गया पी के यार। मतलब बिल्कुल ही अलग सा टेस्ट था उस स्टिंग का, क्योंकि वो नई नई आई थी मार्केट। अंशु ने भी थी, कह रहा है यार बढ़िया लग रही है, पी के देख। ठीक है, पी रहे थे, पी के देखे मैं, गजब का स्वाद है यार, गजब का मजा आया। क्योंकि जो होती थी रेड वाली स्टिंग तो वो ऐसी लगती थी कोई कफ सिरप पी रहे हैं, नहीं यार वैसे नहीं पीनी। और मीठी भी बहुत ज़्यादा होती थी, वैसे हमारे को कम पीनी चाहिए, वो अवॉइड ही करो तो ही अच्छा है, क्योंकि उनमें बेकार है यार वो चीज़ें, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और आज गई थी मम्मी जैसे कि हॉस्पिटल में परी के पास, परी की तबीयत ख़राब थी, तो अब वैसे बहुत अच्छी है, ठीक हो गई है, तो ब्लेसिंग देना सब उसको अपनी अपनी, कि वो जल्दी से ठीक हो के और जल्दी से ठीक होए और अपने घर पे जाए। तो फिलहाल मेरे यही था आज के ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है स्वैग चोरा सेठ। गुड बाय एंड टेक केयर।